हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल से बने हुए नमक पारे। नमक पारे तो आप बहुत तरीके के खाए हैं, पर इस तरीके से आप बना करके देखे बहुत ही टेस्टी और क्रंची बना था। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक कटोरी मूंग दाल ले ली हूँ, जिसे मैं 2 घंटा पहले इसे भिगो दी थी और अच्छे से वॉश कर ली हूँ। यहाँ पर हमें ग्राइंडर लेना है, इसे ऐड कर देना है मूंग दाल को। दाल में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, यहाँ तक के पानी भी हमें ऐड नहीं करना, और दाल को हमें बारीक पीस लेना है। दाल को यहाँ पे मैं पीस ली हूँ। यहाँ पे मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ डालडा। यहाँ पे हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे हमें डालडा ही लेना है। और स्वाद के अनुसार नमक 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ कलौंजी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें अगर और डालडा ऐड करने की ज़रूरत है तो आप और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो पीस करके दाल रखी हूँ उसे ऐड कर देना है। सारा दाल हमें ऐड करना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से इसे मिक्स करें और अच्छे से हमें गूंद लेना है आटे को। मुझे यहाँ पे गूंदने में बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल मैं नहीं की थी। अगर आपको गूंदते वक्त लगता है कि पानी का इस्तेमाल करना चाहिए तो आप करें, पर यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं की हूँ मैं। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी थी और बहुत ही अच्छे से ये जो था गूंद करके तैयार हो चुका था। और थोड़ा हमें हार्ड गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट हम नहीं गूंदेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे गूंदा चुका है, चलिए अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप जो नॉर्मल नमक पारा खाते हैं उसे खाना भूल जाएंगे। आप बार बार आप मूंग दाल के नमक पारे बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बना था। चलिए अब इसे बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और इसके बाद इसे बेलना है। मूंग दाल के नमक पारे को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कहीं पिकनिक में जा रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस नमक पारे को आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही अलग स्वाद आया था। यहाँ पे मैं बेल ली हूँ इसे। थोड़ा हमें मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना। आगे का पोर्शन मैं कट करके हटा ले रही हूँ। और आप जैसा साइज रखना चाहते हैं नमक पारे का आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ पे कट कर ली हूँ, चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरीके से मैं सारे नमक पारे को कट कर ली हूँ। और यहाँ पे हमें ऑयल लेना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब हमें ऐड कर देना है नमक पारे को। दो मिनट के बाद हमें साइड को चेंज करना है और इसी तरीके से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई।
फ्राई जैसे जैसे हो रहा था किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपके फैमिली और बच्चे लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। यहाँ पे फ्राई हो चुका है, चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। चलिए सर्व करते हैं शाम के चाय के साथ, आप इसे इंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, लाइक और शेयर करते रहें।